कमाते जी ने हमें सवाल भेजा है यूट्यूब पर, एनबीसीसी है इनके पास और 144 पे इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। और आज हम देख रहे हैं एनबीसीसी ये थोड़ा नीचे भी आ गया है। आयुष जी क्या सलाह देंगे आप अश्विनी जी को, 144 पे लिया था और आज हम देख रहे हैं कि 3% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में इनकी खरीद है, तो ये आज जो करेक्शन आया है इसमें क्या करें, स्टॉप लॉस भी बताइए और नेक्स्ट टारगेट क्या देख रहे हैं आप कंपनी में? एनबीसीसी अभी जो डेली चार्ट पे थोड़ा सा वीक हो गया है, इसमें 147.80 148 रुपीज का एग्रेशन है स्टॉक। जैसे ही स्टॉक 148 के ऊपर निकलेगा तभी स्टॉक में नई रैली आएगी, लेकिन अभी आज इसमें ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई भी स्टॉक ने बना दिया है, तो मुझे लगता है आज स्टॉक में और थोड़ा प्रेशर रह सकता है और 130 तक के लेवल पे ही आ सकता है। अगर 130 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है स्टॉक में से एग्जिट कर लेना चाहिए और नीचे में 110 रुपीज के आसपास स्टॉक में वापस री एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, तो एनबीसीसी पर ये खास नज़रिया, बेहतर रणनीति आपके लिए। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं, राम ब्रिजेश सिंह जी। राम ब्रिजेश साहब नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। सर जी नमस्ते। सर मेरे पास मोरपिन आपके 2400 शेयर्स हैं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, तो उसको क्या होल्ड करो या क्या ठीक है, सजेशन चाहिए? ठीक है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपने 54 रुपये के आसपास खरीदा है इसे। जी सर, जी सर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपको चाहिए। गौरांग सर, मॉर्पेन लैब्स पे अगर आपकी कवरेज हो तो प्लीज़ राय दीजिए। 54 रुपये की खरीद है, लॉन्ग टर्म नज़रिया है। शांति सिंह साहब की हम सहायता नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। आयुष, ज़रा मॉर्पेन लैब पर राय दीजिए। 54 रुपये की खरीद है और लंबी अवधि का नज़रिया है। मोरपेन लैब की बात करें तो उन्होंने आई थिंक वीकली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट ही था जो 54 रुपए के आसपास का था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फॉल्स ब्रेकआउट निकला है और अभी स्टॉक 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में जो सपोर्ट बन के आता है वो नीचे में 47 रुपीज का है। जब तक तो स्टॉक 47 रुपीज क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 47 के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल, एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ ये स्टॉक चला जाएगा और इसमें जो रैली आएगी 56 के ऊपर ही आएगी, तो 47 से 46 50 का इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस का।